हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर गुरु चैनल से मैं हूं सुनीत कुमार मजदार, आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूं कि हम जो है एफटीपी सर्वर का कैसे रोल जो है इंस्टॉल कर सकते हैं विद आईआईएस सर्विसेज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है, जैसे कि सर्वर मैनेजर होता है, यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट बना रखा है, उसको खोल लेते हैं। सर्वर मैनेजर के अंदर रोल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फीचर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आईएएस सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आईएएस सर्विस में ऐड करते हैं हम लोग। आईएएस सर्विसेज में रोल ऐड करने के लिए हम एफटीपी को सिलेक्ट करेंगे, एफटीपी पब्लिशिंग सर्विसेज। तो ऐड करेंगे इसको, ऐड करके देखिए ऊपर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है सिक्योरिटी वाला जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर नहीं होता तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एफटीपी सर्विसेज को हमने चेक कर रखा है, इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी हम लोग दोबारा इंश्योर कर लेंगे, अभी नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए दिखा रहा है इंस्टॉल। तो वेब सर्वर आईएएस सर्विसेज को पहले इंस्टॉल करता है। आईएएस सर्विसेज इंस्टॉल होने के बाद फिर हम ओके क्लोज कर देते हैं, एफटीपी को कन्फिगर करते हैं। ये हमारा आईएएस सर्विसेज जो है स्टार्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ FTP 2008 FTP सर्वर की सेटिंग के अंदर IIS जो हमारा इंस्टॉल हो गया, इसको अभी हम लोग डबल क्लिक करके खोल सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाके यहाँ पे भी IIS सर्वर मैनेजर जो आपको दिखाई देगा। IIS सर्वर मैनेजर शॉर्टकट को मैंने खोला। तो IIS के अंदर अभी हमें देखिए, मैंने अपने स्टार्टिंग पेज में खोला, FTP साइट पर गए। तो यहाँ पे एफटीपी साइट को अभी लॉन्च करना है। लॉन्च एफटीपी साइट पे मैंने क्लिक किया है, तो बाकी क्लोज कर लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा आईएएस सर्विस मैनेजर, बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। तो देखिए एफटीपी साइट अभी हमारी जो है बंद है, क्रॉस दिखा रहा है। अभी पहले हमें इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एफटीपी साइट को अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो नीचे वाले को स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए राइट क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पहले जाके देखते हैं। अच्छा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसकी करनी पड़ेगी हमें आईएएस की मैनेजर्स की प्रॉपर्टीज़ में। देखिए सबसे पहले है डिफ़ॉल्ट एफटीपी, उसका कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका पाथ है और कहाँ पे हमने उसके जो डाटा को सेव करना है, जहाँ लॉग फाइल डायरेक्टरीज, कौन सी लॉग फाइल डायरेक्टरी होंगी, इसको आप कैंसिल करिए। और अभी ये देखिए यहाँ पे एफटीपी का पूरे फीचर्स हैं, कनेक्शन टाइम आउट जो है कितना होना चाहिए इसका, और मैक्सिमम कितने कनेक्शन इसमें लग सकते हैं। ये पोर्ट इसकी 21 एंड 22 बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं। ओके, सिक्योरिटी में जाते हैं। सब एफटीपी के अंदर हम क्या मेन सिक्योरिटी रहती है कि यूज़र नेम और पासवर्ड्स, क्योंकि एफटीपी को अभी हमें सबको एक्सेस देना है या नहीं देना है, उसके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। आप जैसे कि मान लो कि मैं सारे एक्सेस देना चाहता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ सी के अंदर जाके एफटीपी रूट इन पब्लिक के अंदर एफटीपी रूट फाइल एक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफटीपी रूट के अंदर जो है मैं परमिशंस असाइन कर रहा हूँ अभी। तो हाँ ओके, क्रिएट जाता हूँ मैं इसमें, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर में जाके पूरी परमिशंस इसको ओके कर दिया मैंने। तो अभी हम देखते हैं कि एनोनिमस ऑथेंटिकेशंस कैसे हम बना सकते हैं। तो ये हो गया कि जैसे मैंने पूरी परमिशन सबको दे दी है, इस यूज़र के अंदर कोई भी यूज़र इसको एक्सेस कर सकता है। तो अगर आप चाहो तो आप इसमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड दो, ताकि कोई दूसरा हमारी एफटीपी को एक्सेस ना कर सके, ओनली वही कर सके जिनको हम लोग ऑथराइज करेंगे। तो सिक्योरिटी जो है एफटीपी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सर्वर के अंदर। तो अभी सर्वर के अंदर जो है सिक्योरिटी आपको लगानी है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। तो एफटीपी सर्वर जो है यहाँ पे आप जो है सिक्योरिटी का क्लासिफिकेशन दिया गया है। ओके, अभी अप्लाई कर दो इसको, जो भी पासवर्ड आपने दिया है ओके यस कर दो, कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैंने यस कर दिया। अभी इसके अंदर क्या होता है कि एफटीपी जब आपका बनता है तो उसमें आप मैसेजिंग की भी कुछ सेटिंग कर सकते हो, कि जब कोई लॉगिन करे तो क्या डिस्प्ले हो, जब वो एग्जिट करे एफटीपी से तो उसको कैसे मैसेज आए। तो कॉन्फ़िगरिंग बैनर मैसेज इसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए एफटीपी के अंदर बैनर मैसेज के अंदर जैसे
पहला मैसेज आप लिख सकते हो कि वेलकम टू द एफटीपी सर्वर्स। ये एक्चुअली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि जैसे कोई इन करता है तो क्या है वेलकम, इसमें भी यही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जब कोई एग्जिट करता है तो आप अपना लिख सकते हो, तो आप बाय बाय लिख दो उसमें। तो मैक्सिमम तो कनेक्शन कितने लग सकते हो उसमें आप कुछ लगा सकते हो, ठीक है। ये है हमारा एफटीपी का लोकल पाथ के अंदर, सी के अंदर, इंट पब्लिक के अंदर जो दिया हुआ है। ओके, रीड राइट और अपलोड के कुछ एक्सेस होते हैं, वो अभी देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है। ये देखिए, तो ये होम डायरेक्टरी के अंदर आता है, रीड एनेबल है और राइट एनेबल नहीं है, तो इसलिए आप चाहो तो आप राइट भी कर सकते हो, रीड भी दे सकते हो। एक्सेस जो भी आपको एफटीपी को करेगा सारे उसको आप दे सकते हो, एक्सेस और रीड राइट लॉग वेबसाइट। ओके, डायरेक्टरी सेटिंग, तो डायरेक्टरी सेटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है, ठीक है। और ये है डायरेक्टरी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट है हमारी, तो ठीक है उसको रहने देंगे हम, ओके कर देंगे इसको। जैसे ओके करेंगे ये आपकी एफटीपी साइट जो है तैयार हो गई है। इसको भी एक बार स्टॉप करके स्टार्ट कर देते हैं दोबारा। मैंने ये एफटीपी सर्वर जो है स्टार्ट कर दिया है, अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ। नहीं एक मिनट, हाँ यस अब ओके। तो अभी ये इंट पब्लिक जो है इसके अंदर, इंट पब के अंदर एफटीपी रूट जो होता है उसको अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखते हो तो इसके अंदर सिक्योरिटी में जाओ तो चलो एफटीपी रूट में आप क्या है कि ऐड भी कर सकते हो यूज़र अकाउंट्स, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे क्रिएट ऑनर्स, यहाँ पे मैं एक एनोनिमस अकाउंट जो है क्रिएट करता हूँ। एडिट, ओके, ऐड करेंगे हम यहाँ पे ऐड, ओके। मैं यहाँ पे एक अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, सारे एक्सेस उसको अलाउ कर दिए, अप्लाई कर दिया और अभी इसको ओके कर देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं एक अकाउंट नया क्रिएट किया मैंने और इसको सारे एक्सेस दे दिए एफटीपी के और इसको जो ओके कर देता हूँ। तो ये रीड राइट पूरा कर सकता है और इसको पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, एफटीपी रूट के अंदर हमने क्रिएट किया। अभी मैं यहाँ पे एक दो फाइल कुछ क्रिएट कर लेता हूँ जो हाँ ठीक है, ये हमारी इतनी फाइल्स बन गई जो कि एफटीपी सर्वर में मैंने डाल दी हैं। अभी लॉगिन करो अपनी एफटीपी में, कि एफटीपी लोकल होस्ट, एफटीपी लोकल होस्ट मारते ही आपको और ये एफटीपी हमारा जो है दिखाएगा, जितनी फाइल्स हैं इसके अंदर वो सारी दिखाएगा। तो ये आपका एफटीपी सर्वर जो है आइए इसकी हेल्प से जो है इंस्टॉल हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे आप डाटा ले डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहो तो अपलोड भी कर सकते हैं। एंड आई होप के आपको ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब पक्का करें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स दें जिससे कि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो हैव ए गुड टाइम दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।